अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बनाएंगे मुड़ा कवर। ये हमारा मुड़ा है। इस तरह नीचे रखेंगे कपड़ा, ये मैंने पहले से काट लिया है। इस तरह इसके नीचे कपड़ा रख के इसकी गलाई यहाँ से होती है और आधा इंच हम लोग ज़्यादा लेंगे मार्जिन सिलाई का, ये वाला। तो इस तरह गोल काट लें, दो पीस काटने हैं। ये इस तरह दो पीस काट लिए हम लोगों ने। अब इसको पकड़ेंगे ऐसे और एक पट्टी लेंगे 4.5 इंच की, ये वाली ऐसे सीधी, तो ऐसे पिन्ने लगा लेंगे सारा घुमा के। इस तरह सारी पिन्ने लगा लेनी। याद रखें, पिन के बगैर नहीं सिलाई करना। ये नीचे वाला रेब काटा हुआ है और ये सीधी पट्टी है, ये फिर कम पड़ जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगा। साथ साथ सिलाई करते जाएं, पिन्ने उतारते जाएं। और ये वाला जो जोड़ है, ये इस तरह पहले पिन्ने लगा के यहाँ से पकड़ के ऐसे पहले सिलाई लगा लें, फिर ये गोल घुमा के सिलाई कर दें। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी पिन लगा दिए। अब दूसरा पीस पकड़ना है ऐसे, इसको रखना ऐसे सीधा, तो इसको भी इससे पिन लगानी है। पूरा घुमा के इसको भी पिन्ने लगा लें। ये मैंने दोनों तरफ की पिन्ने लगा ली हैं, इतना सा छोड़ देना है। यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, यहाँ पे ख़त्म कर देनी है, इतना सा छोड़ देना है। यहाँ से सीधा पकड़ के करेंगे, ऐसे सीधा करके फिर हम इसमें रुई भर देंगे। ये सिलाई करने के बाद इस तरह, ये देखें, एक पट ये नीचे सेंटर में पट्टी ये वाली, और इतना सा मैंने छोड़ा है रुई भरने के लिए। ऐसे रुई भरे, अब सुई में धागा डालें, ये देखें ऐसे, और छोटे छोटे टांके लगा के इसका मुंह बंद कर दें। इस तरह इसको हाथ के साथ प्रेस करके सही कर लें रुई को। और सिलाई ये इस तरह करें कि इसका पता ना चले भी ये कहीं से सिलाई किया हो। ये देखें, इसके ऊपर रख के देख लें, चेक कर लें। अब इसके बाद इसके सेंटर में एक निशान लगाएं इस तरह, अब निशान, ये जो निशान लगाया है उसके ऊपर रख के एंची टेप, तो ये इसका जो पट्टी है ये हम लोगों ने लगाई, इसके सेंटर का निशान लगा लें यहाँ तक। तो इसका भी एक गोल पीस इतना, ये आ रहा है 12.5। ये देखिए, एक सिल्क का पीस कपड़ा लें और इसका गोल, जैसे वो कुशन बनाया है ब्लैक वाला, वैसे ही गोल पीस निकालें। और उसका साइज था 12.5, और ये सिल के रह गया है 12, आधा इंच गया सिलाई में, तो टोटल ये बचेगा 24 इंच। ये तो इसको भी पिन आउट करके इस कपड़े के साथ, तो फिर सिलाई करना है। और ये जो नीचे कपड़ा लगाया है वो अब यहाँ तक तो लिया हम लोगों ने गोल का, जो गोल पीस निकालना है उसका साइज, तो ऐसे लेंगे यहाँ तक, ये आ रहा 22 इंच। 1.5 इंच ज़्यादा ले लें, नीचे से नेफा बनाना है जिसमें वो हम लोगों ने डोरी डालनी है। ये देखें 22 इंच सिल के तैयार है। नीचे ये ज़्यादा मार्जिन ले लें, आधा इंच ऊपर का ले लें, और इसको भी ऐसे पिन नोट करके जैसे वो मैंने क्वेश्चन बताया है, तो सिलाई कर लें, पिनों के बगैर नहीं करें। ये दोबारा समझ लें, गोल पीस निकाल के मुड़े का साइज लंबाई का करके, तो उसके साथ जोड़ के नीचे से फोल्ड करके ये डोरी डाल लें ऐसे।
अब इसके ऊपर चढ़ा दें। इस तरह इसको कस के बांध दें। अब इसको सीधा कर दें तो इस तरह हो जाएगा। अब एक डोरी ले और इस तरह बांध दें। ऐसे अब इसको बांध दिया इस तरह कस के। अब इसके बाद वेलवेट का कपड़ा लेंगे। ये देखें इस तरह इसका साइज कर लें इस तरह। ऊपर से लेके यहाँ तक इतना हम लोग फोल्डिंग देंगे। ऐसे पकड़ लें ऐसे यहाँ तक ऐसे इसका साइज कर लें अंची टेप के साथ। ऐसे जितना भी आए हमारा आ रहा 2.5 इंच हाफ। इस कपड़े की 4 तह लगा लें 1 2 3 4 और मेरा आया है आधे मुड़े की लंबाई आई है 2.5 इंच। 1 इंच मैं मार्जिन डालूंगी नीचे से फोल्डिंग के लिए। तो इसको ऐसे 4 तह लगा के ऐसे रख लें और यहाँ से मेरा कपड़ा कम पड़ रहा है यहाँ पे मैंने जोड़ डालना है वो एंड पे डाल दें। ये देखें 29 इंच पे निशान लगाएं ऐसे घुमाते जाएं। ये ऐसे निशान पूरे लगा लें 29 इंच पे घुमा के। अब इसको काट लें। अब ये जो गलाई से हम लोगों ने छोटे पीस निकाले हैं इसको ऐसे पकड़े ऐसे एक नीचे एक ऊपर ऐसे ऐसे गोल काट के ये जोड़ लगा लें। ऐसे जोड़ लगा दें। ये देखें मैंने जोड़ लगा लिया है। जोड़ लगा के इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें फिर इसके साथ फिर बराबर कर दें ऐसे। अब इसको काट दें ऐसे। ये देखें ये जोड़ वाला है और ये सीधे वाला है। आप इसको ऐसे ये अब गलाई में काटा गया तो हो गया रेब। इसको बड़े हल्के हाथ से ऐसे फिर ऐसे सारी ऐसे पिन्ने लगा लें ऐसे। पिनों के बगैर नहीं करने वरना वो झोल फट जाएगा और प्लेट आएंगे ऐसे बार बार। तो अब ये सारी गलाई में सिलाई कर लें। ये देखिए सिलाई हो गया है
कोई प्लेट नहीं, कितना सफाई के साथ है। अगर पिन्ने लगा के करेंगे तो बड़ा सफाई के साथ होगा। ये देखिए इस तरह ये सारा कर लेंगे। और अब जो इसके सेंटर में निशान मैंने पहले से लगाया हुआ था वो पकड़ लें ऐसे, ये निशान सेंटर वाला पकड़ा और इसके भी पहले से निशान लगा हुआ है, जिस वजह से गोल काटा था ना मैंने निशान लगा दिया था। इस निशान और उस निशान के ऊपर पिन लगा दें ऐसे, फिर ये बराबर आएगा ऐसे। ये अब इस तरह बन गया, तैयार हो गया। अभी तैयार नहीं हुआ, इस तरह हो गया है। इसके बाद अब इसके बाद ऐसी एक लेस लेंगे, ये लेस लेंगे ऐसे, ये लेसों वाली दुकान से आराम से मिल जाती है। और ये बेडशीटों वाली है, तो लेस जोड़ने से पहले हम लोग यहाँ से इसकी गुलाई लेंगे, जिधर ये कुशन और ये मोड़े का जोड़ है यहाँ पे, यहाँ से जितना आए आपके मोड़े का आप उतना ले लें, उससे 4-5 इंच ज़्यादा ले लें। जितनी उसकी लेंथ है आपके मोड़े की आए उतनी गुलाई की, तो इसको मैंने करना है डबल, क्योंकि ये थोड़ी पतली है, मुझे थोड़ी सी भारी चाहिए, वजनी लुक निकले ऐसे, ऐसे पतली पतली है। इसको डबल करके ऐसे, इस लेस को डबल करके, इस लेस को इसके ऊपर ये किनारी है यहाँ पे ऐसे, ये इसकी जो नीचे वाली किनारी है ऐसे सिलाई कर देना है सारी, ऐसे पट्टी बना के। मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखें इसके नीचे ऐसे सिलाई करके इस तरह हो गया। अब या तो ऐसी कोई डोरी ले लें, हाफ पाँव लगा के सिलाई होगी, या फिर कपड़े की एक पट्टी बना लें ऐसे। ऐसे इसके नीचे अगर कपड़ा रख रहे हो तो ऐसे रख के इसके साथ सिलाई कर लें ऐसे यहाँ पे। अगर डोरी रख रहे हो तो ऐसे हाफ पाँव लगा के तो ऐसे सिलाई कर लें। ये देखिए मैंने इसके के अंदर डोरी डाली है, ये ऐसे। अब इसके ये सिरे बंद करेंगे। अब इसको यहाँ से पकड़ा ऐसे काटा, ऐसे रख के मशीन के साथ कर लें या तरपाई कर लें। अब ये वाली डोरी लेंगे जो रजाइयों में लगती है, यहाँ से शुरू करेंगे। खींच खींच के टांके लगाने हैं इसको, पोला टांका नहीं लगाना। यहाँ तक सिलाई कर लें, ऐसे यहाँ तक कर लें। अब ये दोनों इस तरह जुड़ गए,
ये लेंगे 4 इंच लेस, और ये लेंगे इससे 4 इंच 3 गुना, 1 2 3, 3 पट्टियों को जोड़ के ऐसे। तो अब इसके साथ जोड़ देंगे ऐसे यहाँ पे, ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा लें, ये देखें इस तरह सिलाई हो गए। अब रखेंगे इसके अंदर ऐसे, तो यहाँ से लगाएंगे टांके पक्के करके। चार पॉइंट टांके लगा के सुई को यहाँ से निकालेंगे वापस ऐसे। आप करते जाएंगे फोल्ड, ऐसे तो यहाँ से पक्का कर देंगे सुई के साथ। ये देखें इस तरह बन गए। ये इस तरह मोड़े कुशन का जोड़ और मोड़े का जोड़ यहाँ पे डोरी बांध लें कस के, फिर उसको काट दें आगे से ऐसे। काट के ये सारे जो प्लेट है ना इनको ऐसे बराबर कर लें। अब ये जो फ्रिल बनाई है ये इसके ऊपर बांध लें ऐसे कास के। ये देखें इस डोरी के अंदर से ऐसे डालनी है इसको, और इसको भी अंदर से डालना है और ऐसे खींच लेना है। अब एक सुई में धागा लें ऐसे और दोनों को मिला के सी दें। ये अब इस तरह तैयार हो गया है। इसके बाद ये इसके साथ मैचिंग कपड़ा लेंगे। ये है टिशू ऑर्गेन्जा, ये है सिल्क। ये एक तरफ से है 10 इंच, एक तरफ से है 9 इंच। इसको ऐसे उल्टा रख के ऐसे सिलाई करेंगे यहाँ से, यहाँ ऐसे सिलाई करके तो ऐसा बनाएंगे। ये क्लिप बना के फिर वही जो पहले ये टेसल बनाया है ऐसे ही 2-2.5 इंच का टुकड़ा लेंगे इतना, तो इसकी बनाएंगे तितली ऐसे। इसके ऊपर जोड़ देंगे इस तरह। ये देखें इस तरह सिलाई करके ऐसे एक तरफ थोड़ा छोटा सा कट लगाएं और उस उधर से सीधा कर लें इसको ऐसे। अच्छी तरह कोने निकाल लें इस तरह। अब एक सुई में धागा डालें और ऐसे पकड़ के हाफ करें, हाफ से ऐसे करते जाएं। ऐसे धागा बांध के घेरा लगाएं।
ये हो गया। इसको हम लोगों ने देनी है तितली की शक्ल ऐसे, एक तरफ थोड़ा सा ऐसे तिरछा, पीछे से तरपाई कर दें ऐसे। और इधर से भी जैसे ये है, ये एक तरफ से मैंने तरपाई की हुई है, एक तरफ से ऐसे। ये तैयार हो गया, ये पीस लिया, तो इसको ऐसे पकड़ना है, इसके ऊपर रखा, यहाँ से टांग देंगे सुई के साथ, फिर उसके ऊपर लगा देंगे। ये देखें इस तरह लगा दिए, ये मैंने दो छोटे छोटे मोती लगा दिए हैं, तितली की वो आंखें बन गई हैं। इस तरह चार लगाए मैंने, ये जिधर से जोड़ है ये देखें कितना प्यारा लग रहा है।